हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोगों को हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कैसे करना है बताऊंगी। और यहाँ पर मैं नोवा हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर एक बटन है जो कि हाई और लो स्पीड के लिए है। तो अभी विंटर है तो मैं हाई स्पीड पे ही इसका इस्तेमाल करूँगी। और ये देखिए, यहाँ पर मैं इस तरीके से हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक और बात, अगर आप हेयर ड्रायर का इस्तेमाल डेली बेसिस पर करते हैं तो फिर ये आपके बालों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल कभी कभी करना चाहिए, डेली नहीं करना चाहिए, डेली बेसिस पर नहीं करना चाहिए। जब आपको इमरजेंसी हो तभी करना चाहिए। जैसे अभी विंटर का टाइम है और धूप नहीं निकलती है, तो ऐसे में आप कर सकते हैं। ड्रायर का ज़्यादा इस्तेमाल बालों को रूखा बना देता है। और ये देखिए, मेरे 80% बाल ड्राई हो चुके हैं। 20% ऐसे ही हो जाएंगे, नेचुरल एयर से हो जाएंगे। और गाइज, यहाँ पर मैं एक और हैक शेयर कर रही हूँ। ठंड के मौसम में क्या होता है कि जब भी हम शैम्पू करते हैं तो ठंड लग जाती है। तो ये देखिए, जब तक मैं बालों को ड्राई कर रही थी तब तक मैंने चाय चढ़ा दिया था। तो ठंड के मौसम में जब भी आप शैम्पू करते हैं तो शैम्पू करने के बाद कुछ भी गर्म हो, चाय, कॉफ़ी, दूध, अगर आप पी लेते हैं तो ये आपकी बॉडी को अंदर तक गर्म करता है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है एवरटीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में जलन, खुजली, इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल करके इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं परचेज लिंक में शेयर कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का बटन आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।